हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। और इस वीडियो लेक्चर में हम दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे बेस है। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, ये आपको लगेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर एक डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले किए हैं उसमें और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड ए कैलिब्रेशन कर्व बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ 5 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड एट 300 नैनोमीटर। ए क्यूवेट विद ए पाथ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर वाज यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द स्लोप ऑफ द क्यूवेट वाज 300। द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इज। जब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए इज इक्वल टू के सी एल। बट यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ है आपको और क्या फाइंड आउट करना है, द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू ई इंटू एल। स्लोप आपको दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द क्यूवेट पाथ भी आपको दिया हुआ है। तो स्लोप कितना दिया है क्वेश्चन में, 300, और पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट दिया है 5। तो सिंपली अब आप ई को कैलकुलेट कर लोगे, 300 डिवाइड बाई 5 इज 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा मेरा यही सजेशन रहता है कि बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। यहीं पे आपका 50% जो है वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।